जिला सत्र न्यायालय के तत्वावधान में हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन दीवानी कचहरी में न्यू कमेटी हॉल में किया गया, जिसमें जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव, सीजीएम के सिंह, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, महामंत्री अजय कुमार शुक्ला सहित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधिवक्ता मौजूद थे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदी के विकास तथा उसके प्रयोग किए जाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जनपद न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी सरल और सुलभ भाषा है, इसका प्रयोग हम सभी को करना चाहिए, जिससे वाद कार्यों को भी कोई दिक्कत नहीं आ पाए। इसमें बहुत शक्ति होती है। आगे जी, आगे लगा दिया। तो जो कीड़े मकोड़े हैं ताप से नष्ट, आज के दिन की विशेषता बताने की जरूरत नहीं है। और हम कार्यरत हैं, अधीनस्थ न्यायालय की भाषा भी हिंदी है, अधिकारीगण हों, विद्वान अधिवक्तागण हों, हमारे में ये भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। आज के दिन प्रेरणा इसी बारे में चर्चा करते हैं और इस क्रम का कि आप आए और आज के इस नवनियुक्त अध्यक्ष एवं महामंत्री 1953 से वर्धा समिति के अथक प्रयास के बाद इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो होने का कारण थोड़ा हमारी भाषा का प्रयोग कम होना और अपभ्रंश तरीके से होना है, और उद्देश्य ये है कि हमारी राजभाषा जो हिंदी है, इसका उत्तरोत्तर विकास किस प्रकार किया जा सके, ये हम सब मिलकर किस प्रकार कर सके, इस पर चर्चा करना। भाषा किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा राष्ट्र के संचार का एक माध्यम होती है। किसी भी भाषा के लिए किसी दूसरी भाषा का सत्ता तो नहीं है, परंतु कहीं न कहीं भाषा जो है किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति के संस्कृति और अस्तित्व का पहचान भी होती है। अगर उस क्रम में हम देखें तो हमें अपनी भाषा का प्रयोग हर छोटे बड़े काम में जहां हो वहां पे करके इसका उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। कहीं हम जब राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का संचार होता है तो उस स्तर पर हमें उस भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। राजभाषा बन के रहेगी हिंदी, तो यह निर्णय लिया गया कि जब तक इस देश के सभी राज्य सहमत नहीं होते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा बने, तब तक हर वर्ष हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी के प्रति प्रचार प्रसार करेंगे, और सहमत बनने के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी। और जब दुर्भाग्य है तो 1950 से लेकर 2018 तक हम प्रचार प्रसार करने के बाद भी आज तक अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बना सके। उसे फिर आज दो सत्र दूंगा कि इससे पहले पूर्वांचल हिंदी वृद्धि प्रतिष्ठान न्यायिक जगह से जुड़ा संस्थान था, जिन्होंने न्यायिक काल में हिंदी का विकास हो अथक प्रयास किया। लेकिन आज एक चुनौती बनी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय की भाषा आज भी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी है, और इस देश के आम नागरिक पर आप कल्पना कर सकते हैं तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी का अनुवाद के अलावा स्वीकार होती ही नहीं। और एक अधिकारी पास गरीब आदमी के जहाँ 65% गरीबी रेखा के नीचे है, वहाँ के लिए यह कानून कितना बड़ा अभिशाप है कि हम न्याय जगत में अपना आवेदन अपनी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह हमारे दस्तावेज हमारे साक्षर अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है। आवश्यकता है देश के निर्माताओं से आज के इस अवसर पर हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी भाषा स्वीकार हो, और यह उनका विषय हो कि उनका कार्य किस विषय भाषा में होता है, लेकिन हिंदी को या अन्य भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद की अनिवार्यता बात की जाए। धन्यवाद। हम लोगों का यह अभ्यास होना चाहिए जो बातें, जो विचार, जो निर्णय
हम अपने समाज में और क्षेत्र को दे रहे हैं वो इतनी सहज और सरल हो जो उनके समझ में आवे। इस हिंदी दिवस के मनाने का आज ये अगर ये इतना हम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर सफल होंगे और हिंदी निश्चित तौर पर पूरे विश्व में हर भारतीय की पहचान बन गई है। यदि आप विश्व में कहीं जाएंगे और भारतीय होने की बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति यह जानता होगा कि आप हिंदी निश्चित तौर पर जानते होंगे। अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए, अपनी भाषा को याद करने के लिए हमें अनेकाधिक होना पड़ता है। पहला भाषाई आंदोलन आजादी के बाद, पहली भाषा आयोग आजादी के बाद, और भाषा के आधार पर ही हमारे राज्य का विभाजन हुआ 1956 में आंध्र। भाषा की अस्मिता मानव समाज में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का वह माध्यम है, जैसे कि शरीर में रक्त संचार जिस गति से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आपके चिंतन का विषय है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति है और इसी से हमारा समाज भी उन्नत होता है। अगर आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिवस पर इसका आप चिंतन करें और इस पर विचार करें कि जो भाषा हमारे संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, हमारे समाज को मिलजुल प्रगति का संदेश दे रही है, उस भाषा की प्रगति हम बिना कुछ कर सकते हैं। तो लोग होने वाली भाषा का प्रश्न है, निराश्रय आगे तो हिंदी का प्रयोग 99% होता है। कभी कभी कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था के कारण अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। अभी हमने इस बात की चर्चा की थी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने बहुत से उद्घोषण में इस बात को रखा है कि न्यायालयों की भाषा वही होनी चाहिए जो वारदातियों की समझ में आए। मेरा भी विचार लगभग वही है कि भाषा अपनी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी न्यायालयों में कार्य करते हैं तो इस मोटो के साथ काम करते हैं कि वारदातियों का है सर्वोच्च है। तब वो हमारी बातें नहीं समझ पाएगा, हमारे निर्णयों को ठीक से समझ नहीं पाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा निर्णय देना उतना सार्थक नहीं होगा। अगर आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पर मंथन करें ताकि अगले वक्त तक हम यहाँ उपस्थित हों, तो हमें इस बात का